नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अब हम आपको इनके प्राइस, क्वालिटी, डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में डोरबेल का बटन जरूर दबाइएगा। हम कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अभी हमारे पास लेटेस्ट न्यू डिज़ाइन के और कवर आएंगे, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कवर्स के लिंक डाले हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये फ्लिप कवर है और इसका रेट मार्केट में 100 रुपये से 150 रुपये तक के लगभग होता है। इसमें मोबाइल के फ्रंट बैक दोनों साइड की सेफ्टी होती है। फ़ोन गिरने पर 99% हमारे फ़ोन को डैमेज होने से बचा लेता है, क्योंकि स्क्रीन इसमें ज़्यादा प्रोटेक्ट होती है। बैक पैनल भी इसमें ज़्यादा सेफ होता है। कैमरा प्रोटेक्शन भी है और यहाँ अपना अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं आप। और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका। इससे पहले दोस्तों हमने आपको दिखाया स्मोक कवर कि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का, कैमरा प्रोटेक्शन है, बॉर्डर एज कुछ इस टाइप का है। इसका रेट मार्केट में 70 रुपये से 90 रुपये के लगभग होता है। दोस्तों कैमरा प्रोटेक्शन काफ़ी टाइम से मार्केट में बिक रहा है, अब इसकी डिमांड थोड़ा कम हो गई है दोस्तों। और हमने आपको दिखाया ईगल कवर, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस पर टेम्परेरी टाइप में लैमिनेशन लगकर आती है, पीछे से ट्रांसपेरेंट टाइप प्लास्टिक टाइप होता है। आजकल फ़ोन के जो बैक पैनल है कुछ स्टाइलिश टाइप के आ रहे हैं, जिसके कारण जो पीछे का एरिया काफ़ी क्लीन क्लियर दिखाई देता है और इस तरीके से फ़ोन को पकड़ते हैं काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और कैमरा प्रोटेक्शन है, कॉर्नर बम्पर टाइप में दिए हुए ताकि फ़ोन गिरे तो डैमेज ना हो। और कीज का डिजाइन कुछ दोस्तों इस प्रकार का है। बॉर्डर एज भी थोड़ा अंदर की तरफ दिया हुआ है, जिससे स्क्रीन के जो कॉर्नर है वो डैमेज होने से बचा लेता है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छी लुकिंग होती है ट्रांसपेरेंट होने के कारण। ये इसका रेट मार्केट में दोस्तों 70 रुपये से 100 रुपये के लगभग होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हो सके तो शेयर भी कर देना। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कौन सा कवर अच्छा लगा या हमें किस कवर पर वीडियो बनानी चाहिए। बाय दोस्तों।